मैं आज डेथ माउंटेन डेड प्ले का सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो होने वाला है 13। मैं आप सबको थोड़ा बता देती हूँ सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। हमने देखा था कि सभी लोग एक सिंबल के पीछे पड़ गए थे उसके बारे में जानने के लिए। तो हम इस सीजन में देखेंगे कि पोल का और उस सिंबल का क्या रिलेशन है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है डार्क कॉस्ट्यूम पहनकर कॉस्प्ले कर रही थी। वो रात के 3 बजे लाइव आकर बकवास चीजें कर रही होती है। फिर वो जाकर क्रोस से बात करती है। वो देखती है कि क्रोस किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं कुछ। ये सारी चीजें कैमरे में ताकुमी भी देख रहा होता है। वो लड़की जैसे ही उस डायरेक्शन में देखती है, वो देखती है कि बहुत सारे हाथ फैले हुए हैं। ये देखकर ताकुमी भी हैरान था। सुबह की और आरएससी उसी जगह में पहुंच चुके होते हैं और वो पुलिस डिपार्टमेंट से जानकारी की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पूछता है कि इस बिल्डिंग का ओनर कौन है। नाराज से बोलता है कि वो वही बारटेंडर है जिसे हम हाल ही में ही मिले थे। इसका मतलब लीसा। हम लीसा को देखते हैं। लीसा ने अपने ग्रुप में 2 मेंबर और हायर किए हैं। उन दोनों का नाम था रीरे और हीरो। ओ उसको रूल रेगुलेशन बताती है और ओ उनको मिशन के लिए भी साइन करती है और बोलती है कि अगर तुम थोड़ा चालाकी करने की कोशिश की तो तुम देख लेना मैं क्या कर सकती हूँ। ताकुमी पोलका को एक वेबसाइट दिखाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर लिखा है तुम तुम्हारे लाइफ को पीसफुली जीना चाहते हो या खराब करना चाहते हो। उनके बिल्डिंग को लोगों ने घेर रखा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फैंटम सॉलिटर वहीं पर है। पोलका डिसाइड करता है कि वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाएगा, जहाँ पर पोलका का बहन बताती है कि रातों रात सॉलिटर फेमस हो चुका है क्योंकि सबको लग रहा है कि ये जो हैंड था वो सॉलिटर ने निकाला था। और बाकी सब पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें इस काम को जल्दी से करना होगा क्योंकि यहाँ पर मीडिया आ चुके हैं। अब बोलता है कि मैंने जब सॉलिटायर को देखा था उसके पीछे एक आत्मा थी। शायद उन दोनों का फेस डिफरेंस था लेकिन सोल एक ही थी। फिर वो लोग बात करने लगते हैं उस हाई स्कूल लड़की के बारे में जिसका डॉग उनके पास था। फिर वो अपने काम के बारे में बात करने लगते हैं जो फॉर्चून टेलिंग का। ताकुमी सोचता है कि अभी तो फैंटम सॉलिटायर का फोकस हमारे ऊपर ही होगा, इसलिए तो वो सिंबल के बारे में हमें पूछ रहा है। जो भी हो लेकिन मुझे ये सब बातें क्लारिसा को तो बताना ही होगा। ताकुमी पूछता है वो दीवार में लिखी हुई बातों के बारे में पोलका को पूछता है। ये तो किसी फायरबग में लिखी है, इसका तुम्हारी दुनिया से तो कोई कनेक्शन नहीं। पोलका बोलता है कि 7 मंड उसका कंट्री का एक एम्परर किंग था। वो मेरी कंट्री के ऊपर राज करता रहा। हमें पोलका का पास दिखाया जाता है। पोलका के टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ इविल आए हैं और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी टैलेंट नहीं है और वो इविल आइज भी डिफेक्टेड आए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और 10th लेवल ग्रेड लिजर्ड बनाऊंगी। पोलका बोलता है कि नहीं, मुझे 1 लेवल वाला लिजर्ड बनना है। टीचर बताते हैं कि 2nd रैंक मेरा है और 3rd 4th वाले काफी पावरफुल है। अगर तुम्हें 1st रैंक लाना है तो तुम्हारा सब पावर करेक्शन होना चाहिए। वहाँ पर 7 मंड आता है जो बोलता है हर कोई इक्वल है, तुम तुम्हारे एबिलिटी के अनुसार 1 बन सकते हो। प्रेजेंट सीन में पोलका बोलता है कि सेमरमंड बहुत अच्छे इंसान थे, उनके लिए तो ये एम्पायर इतने तक बढ़ पाया। ताकुमी ये सुनकर हैरान होता है और सोचता है कि शायद ये कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहा है। पोलका की बहन सार्क के बारे में बात करने लगती है। ताकुमी पूछता है कि ये फायरबैग का 7 मंड के साथ क्या रिलेशन है, वो तो 100 साल पहले ही मर गया था। तो पोलका बोलता है कि उनके जैसा पावरफुल लिजर्ड 200-300 साल तक जिंदा रह सकते हैं और बुढ़ापा को कम भी कर सकते हैं। अभी तक भी उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि 7 मंड का इस दुनिया से क्या कनेक्शन है।
एक पुलिस वाला बात कर रहा होता है कि हमने जितनी मेहनत की हर्षद रोगी को पकड़ने के लिए, उतनी मेहनत करेंगे इन स्नाइपर को पकड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग हुडी पहनकर गन पकड़कर खड़े होते हैं। वो दूर से एक अनन पर्सन को देखते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वही लड़का इन सबको मार देता है और वो उन्हें बोलता है कि क्या तुमने सोचा था तुम मुझे मार दोगे। तभी उसे एक लड़की की कॉल आती है और उसे पूछती कि क्या तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल गया। वो बंदा बोलता है कि ऑलमोस्ट, मैंने इन सबको खत्म ही करके दिया है। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे लिए और एक मिशन है, तुम्हें इस सीवीवा की एजेंसी में जाना है और तुम्हें पता है वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है। वो लड़का बहुत खुश होते और सोचता है कि फाइनली मैं फैंटम सॉलिटेयर से मिलूंगा और ऑटोग्राफ लूंगा। दूसरी तरफ साहो रोजन को कॉल कर सब चीज के बारे में बताता है उनको। रोजन भी ये सारे जानकारी इंटरनेट में देख रहे होते हैं और फिर वो बोलता है कि हमें फेक पोलका को मार देना चाहिए। रोजन बोलते हैं तुम्हारे ऊपर उसने अटैक ना कर तुम्हारे स्कारलेट ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया होगा। मैंने तुम्हें मिशन दिया था कि फेक पोलका को बचाने का, ना कि उसे मारने का। तुम सिर्फ लेडी साय को प्रोटेक्ट करो और पोलका को भी प्रोटेक्ट करो। मुझे पता है उन सब का सीक्रेट, तुम्हारा जो मिशन है तुम उसी को ही फॉलो करो। वो बंदा सिंजी को सीढ़ी पहुंच गया था, उसका नाम था मोमोया। और वो लोगों को देखकर बोलता है कि जाना पहचाने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। आरासी भी सुबह की से यही बात बोलता है कि यहाँ पर जानी पहचान चेहरे हैं। ताकुमी पूछता है कि तो क्या करना है इस चीज का। वहाँ पर निशा किया जाती है, वो प्रोटैगनिस्ट का मुंह उल्टा करती है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट का स्माइली मुंह बनता है वहीं पर एक लड़की आकर फोटो खींच लेती है। वो लड़की उसका इंट्रोडक्शन देती है और अपना कार्ड देती है। उस कार्ड में लिखा था कि ये वीकली ट्राई से है। मिशा की काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका फोटो न्यूज में छपने वाला है। ये सबके लिए वो एक्साइटेड थी। ये जो वीकली ट्राई मैगजीन है ये 1996 में खुली थी। ये हर तरह का न्यूज को कवर करता था, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो और वो स्पोर्ट्स वाली क्यों ना हो। हर हफ्ते इसकी 2 लाख से ज्यादा कॉपीज बनती है। इस बारे में रियल पोलका को पता है या फेक पोलका को पता है, किसी को भी नहीं पता है। क्या पोलका का लाइफ इस लड़की के आगे छुप सकता है या उसे सारे सच के बारे में पता चल जाएगा। सिर्फ ताकुमी है जो इसको संभाल पाएगा। ये बोलते ही नरेटर गायब हो जाता है और हमें मिशा की बताती है कि ये न्यूज रिपोर्टर है और तुम वर्ल्ड में फेमस होने वाले हो। पोलका बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो लड़की बोलती है कि रिलैक्स रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हारा यहाँ से एक इंटरव्यू लूंगी। ताकुमी उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी परमिशन नहीं है, तुम हमारे इंटरव्यू ले सकते हो। लड़की बहुत चालाक थी, वो बोलती है कि मैं और कोई स्टोरी कवर करूंगी, जैसे कि एक ड्रोन जगह जगह जाकर के लोगों की जासूस करता था। ऑब्वियसली बात है वो ताकुमी और उसकी ड्रोन के बारे में बात कर रही थी। ताकुमी भी समझ गया था, वो इसके बारे में रिसर्च कर आई है। ताकुमी सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो लीसा भी पकड़ी जाएगी और उसके बॉडीगार्ड्स मुझे छोड़ेंगे नहीं। लड़की ताकुमी के बारे में सोचने लगती है, कैसे वो 12 साल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोला था और कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर उसे अड़प लिया था और उसके पेरेंट्स भी इस वजह से मर गए थे। उनसे भागने के लिए वो बुरे लोगों के साथ ज्वाइन हो गया। ये अच्छा स्टोरी बन तो सकता है लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है। फिर हमें पुराने सीन दिखाया जाता है, वो न्यूज रिपोर्टर को इस सब के बारे में बताती है लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसकी जो स्टोरी है वो न्यू डिवाइन के ऊपर है। न्यू डिवाइन और सॉलिटेयर आपस में कनेक्टेड है। पुलिस भी इन सब की छानबीन कर रही है और ये जो बंदा है वो सिनोयामा फैमिली से भी है। वो सबको थैंक्स बोलती है उसे परमिशन देने के लिए और बोलती है कि कल से मैं अपना काम शुरू करूंगी। मी बोलता है कि हाँ तुम्हें ठीक लगे जैसा। पोलका ताकुमी मिशा की अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने लगते हैं। ये सब देखकर वो रिपोर्टर सोचती है कि ये कितना स्मूथली सब चल रहा है।
उसे नहीं लगता था कि सॉलिटर इस बिल्डिंग में रहेगा और हमारा पोल का एक कॉप्स गॉड होगा, उसे कुछ भी नहीं पता है। और वो पीछे की दीवार पे देखती है कुछ लिखा हुआ, वो पूछती कि ये क्या फायर ब्रीदिंग बग ने लिखा है। वो उन्हें पूछ लेती है मिसा की ये बात उसे बतानी ही वाली थी। पोलका की बहन उसे रोक लेती है। काकुमी बोलता है कि हम जब इस बिल्डिंग में आए थे उसे पहले ही ये सब लिखा हुआ था। ये बात सुनकर वो रिपोर्टर सोचती है कि ये तो फ्रेश लिखा हुआ लगता है, ये सब मुझे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा। हाली में जो फायर ब्रीथिंग डक का यहाँ पर हमला हुआ और फिर पोल का सिनोया में की फैमिली के बारे में बहुत क्वेश्चन हुए। इसका फैमिली बहुत ज्यादा सीक्रेट है। दूसरी तरफ हम पोलका के भाई को देखते हैं जो लेमिक्स के साथ बात कर रहा होता है। लेमिक्स बोलता है कि ये जो भी हुआ यहाँ पर फैंटम सॉलिटर का कोई भी हाथ नहीं है। आखिर में पोलका का भाई बोलता है कि अब तुम छुट्टी में जा सकते हो, लेकिन तुम्हारा काम है तुम्हें ग्रैंडपा का कार में नजर रखनी है। और एक बॉडीगार्ड को बोलता है कि तुम पोलका की बिल्डिंग के आसपास ही घूमो और सॉलिटायर को मेरे पास लाओ, मुझे उससे शुक्रिया अदा करना है क्योंकि उसने मेरा स्ट्रोक प्राइस गिरा दिया। और एक बॉडीगार्ड को भी बोलता है तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और सतर्क भी रहना पड़ेगा तुम दोनों को, क्योंकि पुलिस वाले भी सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में। ये जो लड़की थी वो अपनी चीफ के साथ बात करती है और बोलती कि मेरा जान पहचान हो गया है, मैं कल से काम करना शुरू कर दूंगी। हम देखते हैं कि मोमोयामा एक बारटेंडर को ही मार दिया है क्योंकि बारटेंडर ने उसकी ड्रिंक में जहर मिलाने की कोशिश की। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताएं।